हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश चंद्रानी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल NK ऑनलाइन लर्निंग में। आप देख रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। हेलो स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज कॉशीज रूट टेस्ट। लास्ट लेक्चर्स में हम किसी सीक्वेंस की कन्वर्जेंस का पता लगाने के लिए कुछ टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कंपेरिजन टेस्ट, डालिम्बर रेशियो टेस्ट, और आज हमारे पास है कॉशीज रूट टेस्ट। सपोज सिग्मा यू एन बी अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, सच दैट यू एन टू द पावर 1/n एंड लिमिट ऑफ इट व्हेन एन टेंड्स टू इन्फिनिटी इज एल। Let sigma u n be a series of positive terms such that limit n tends to infinity u n raised to the power 1/n equal to L. Then series is divergent if L is greater than 1. अगर L की value 1 से बड़ी है तो ये series divergent होगी। Series is कन्वर्जेंट इफ एल इज लेस देन 1। अगर एल 1 से छोटा है तो यह सीरीज कन्वर्जेंट होगी, और अगर एल की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाए तब क्या होगा, देन रूट टेस्ट फेल्स। मीन्स अगर एल की वैल्यू 1 के इक्वल हो तो ये जो कॉशीज रूट टेस्ट है ये फेल हो जाएगा, और फिर हमें कोई नया टेस्ट अप्लाई करना होगा जिससे कि हम इस सीरीज की कन्वर्जेंस का आइडिया लगा सके। इसे समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है। सीरीज इज 1/2 प्लस 2/3x प्लस 3/4 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4/5 होल क्यूब एक्स क्यूब प्लस सो ऑन, वेयर एक्स इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। इस सीरीज को आप ध्यान से देखेंगे तो पहली बात तो यह है कि एक इनफाइनाइट सीरीज है, और दूसरी बात अगर हम इस 1 को कंसीडर करके चलते हैं तो हम इस सीरीज का nth टर्म इजीली निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, सीरीज का nth टर्म यानी कि un निकालने के लिए हमने इसका फर्स्ट टर्म स्किप कर दिया है। स्किपिंग फर्स्ट टर्म वी गेट un इज इक्वल टू, यानी कि सीरीज का जो जनरल टर्म है nth टर्म वो हो जाएगा। अब अगर हम इसको स्किप कर रहे हैं तो हमारा पहला टर्म है 2/3x, ओके? यानी कि अगर हम बात फर्स्ट टर्म की कर रहे हैं तो उससे एक ज्यादा न्यूमरेटर में है और दो ज्यादा डिनोमिनेटर में है। जो टर्म है उतनी ही x की पावर है, ठीक है। मींस आई मीन टू से दैट द nth टर्म इज n+1/(n+2)x, ऐसा फर्स्ट टर्म के लिए है। लेकिन अगर आप सेकंड टर्म में देखेंगे तो यहां पर एक पावर है, और वो कितनी पावर है, सेकंड टर्म है तो पावर 2 है, थर्ड टर्म है तो पावर 3 है। इट मींस हम कह सकते हैं कि अगर nth टर्म है तो पावर n हो गई। सो यू एन इज इक्वल टू n+1/(n+2) रेज टू द पावर n x पावर n। तो हम देख सकते हैं कि हर एक टर्म में पावर n आ रही है, इसलिए इस सीरीज का कन्वर्जेंस का पता लगाने के लिए कॉशीज रूट टेस्ट एक अच्छा टेस्ट होगा, इजी टेस्ट होगा। बिकॉज यहां पर क्या होता है, जो nth टर्म है उसकी पावर 1/n हम ले लेते हैं। देयरफॉर यू एन टू द पावर 1/n ये क्या हो जाएगा, n+1/(n+2) इंटू एक्स। अब आपको इसकी n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर लिमिट निकालनी है, दोनों में से n कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बचेगा 1+1/(n)/(1+2/n) इंटू एक्स। और जब इस क्वांटिटी में n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे, 1/∞ 0, 2/∞ 0, यानी कि ये पूरी टर्म रह गई 1 इंटू एक्स। सो फाइनली
दिस लिमिट इज इक्वल टू एक्स। अब आपको एक्स की नेचर से ये पता लगाना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। नाउ केस वन, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वन, हमने कॉशीज रूट टेस्ट में पढ़ा कि ये जो लिमिट की वैल्यू आती है अगर ये ग्रेटर देन वन है तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी। मीन्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन वन देन सिग्मा यू एन इज डाइवर्जेंट, इफ एक्स इज लेस देन वन देन सीरीज इज कन्वर्जेंट, और अगर अगर x की वैल्यू 1 के इक्वल हो तो उस केस में रूट टेस्ट, ये जो आपका कॉशीज रूट टेस्ट है, ये तो फेल हो जाएगा। लेकिन लेकिन फिर हमें किसी दूसरे टेस्ट की मदद से पता लगाना होगा कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं है। देन यू एन इज इक्वल टू, अब अपने पास यू एन क्या आ जाएगा, जब x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तब यू एन इज इक्वल टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 2 पावर n। दोनों में से n कॉमन लेके आप ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाय एन डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 बाय एन होल पावर n। और अब अगर इसकी लिमिट लगाई जाए वन प्लस वन बाय एन पावर एन इंटू, आप इसे दो टर्म्स में ब्रेक कर सकते हैं, वन प्लस वन बाय एन होल पावर एन इंटू वन अपॉन वन प्लस टू बाय एन पावर एन। तो लिमिट दोनों पर अलग अलग लग जाएगी, इस पर लिमिट अलग लगाएंगे और इस पर अलग लगाएंगे। मैंने यहाँ पर एक सिंगल लिमिट शो की हुई है, लेकिन आप दोनों पर अलग अलग लिमिट लगाएंगे, और ट्वेल्थ क्लास में जो आपने स्टैंडर्ड लिमिट्स के फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। ये क्या आएगा e, और जो डिनोमिनेटर है वो हो जाएगा e स्क्वायर, यानी कि कुल मिलाकर के आपको मिल गया 1 अपॉन e। और हम जानते हैं कि e एक फाइनाइट क्वांटिटी है, तो फाइनली लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन इज इक्वल टू 1 अपॉन n विच इज नॉट इक्वल टू 0 एंड फाइनाइट। तो ये जो लिमिट आपके पास आ रही है 1 अपॉन e है, ये जीरो के इक्वल नहीं है और ये फाइनाइट है, इसलिए एक्स इक्वल टू वन के केस में सिंपल टेस्ट से, हमने और कोई टेस्ट नहीं लगाया, हमने सिंपल इसकी लिमिट निकाली है जिससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल इज सिग्मा एन अपॉन एन प्लस वन रेज टू द पावर एन स्क्वायर। सो हियर यू एन इज इक्वल टू एन अपॉन n plus 1 to the power n square, therefore un raised to the power 1 upon n। तो एक बार फिर से हम देख सकते हैं कि यहां पर भी एक टर्म की पावर n स्क्वायर है, इसलिए हमने यहां पर कॉशीज रूट टेस्ट अप्लाई किया, un raised to the power 1 by n, so that is equal to n upon n plus 1 to the power n square whole to the power 1 by n, जिससे आपको मिल जाएगा n upon n plus 1 to the power n, ये एक n कैंसिल हो जाएगा, तो n upon n plus 1 to the power n। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं n plus 1 upon n to the power minus n, ओके तो 1 plus 1 by n to the power minus n, या फिर इसे मैं लिख सकता हूँ 1 plus 1 by n to the power n n होल टू द पावर माइनस वन। नाउ बाय कॉशीज रूट टेस्ट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी यू एन होल टू द पावर वन बाय n, दिस इज इक्वल टू लिमिट
एन टेंस टू इन्फिनिटी, वन प्लस वन बाय एन टू द पावर एन होल टू द पावर माइनस वन. अब आप जानते हैं स्टैंडर्ड लिमिट्स से कि ये क्वांटिटी ई है टू द पावर माइनस वन, यानी कि वन अपॉन ई. और आपको ये भी पता है कि ई की वैल्यू 2.7 समथिंग होती है, सो वन डिवाइडेड बाय 2.7 समथिंग एंड वी गेट लेस देन वन. ठीक है, तो इस लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है, वन आ रही है. इसलिए कॉशी रूट टेस्ट से ये सीरीज कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट. क्यों? क्योंकि वैल्यू लेस देन वन आई है. देयरफोर सीरीज इज कन्वर्जेंट. इसमें आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा करेक्शन हम करेंगे. लास्ट वाले एग्जाम्पल में x इक्वल टू वन वाला जो केस हमने डिस्कस किया, वहां पर आपके पास लास्ट में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन आपको ये वैल्यू मिली थी वन अपॉन ई, विच इज नॉन जीरो एंड अ फाइनाइट क्वांटिटी. ओके, हमें मिला था लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन इक्वल टू वन अपॉन ई, ये जीरो नहीं है और फाइनाइट क्वांटिटी है. देयरफोर सीरीज इज डाइवर्जेंट. ठीक है, जब हम बात सीरीज की करते हैं तो जब किसी सीरीज की डायरेक्ट इनफाइनाइट पर लिमिट अगर फाइनाइट क्वांटिटी आ जाए, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पर डायरेक्ट अगर सीरीज की लिमिट एक फाइनाइट क्वांटिटी आ रही है बट जीरो नहीं है, तो वो डाइवर्जेंट सीरीज होती है. ये एक छोटा सा करेक्शन है जो आप ध्यान रखेंगे.